अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस न्यू मशीन पे आ रहे हो और आप दे रहे हो प्यारे मीजू। तो गाइस आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। तो दोस्तों आज आपको चीज़ दिखाता हूँ जो मेरी, आपको पता जामरा झिंटू है ना, यहाँ पे एक चिड़िया जो है ना वो घुस गई है, ब्लैक वाली, बड़ी खूबसूरत है, आपको दिखाता हूँ। मैं भी कहीं उड़ ना गई हूँ, क्योंकि ये दरवाजा थोड़ा सा नीचे ना खुला था, तो यहाँ से वो उड़ जाती है, शायद लगता है वो उड़ गई है, वो वाकई उड़ गई है। लेकिन गाइस बहुत प्यारी थी, इतनी खूबसूरत थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत थी, अल्लाह पाक की मखलूक है। आपको पता है परिंदे तो बड़े ही खूबसूरत हैं, लेकिन वो थी जंगली लेकिन बड़ी प्यारी थी। तो गाइस सबसे पहले मैं खोलता हूँ अपने पिजन्स को और देखता हूँ हमारे पिजन्स का कोई और बच्चा आया है या नहीं आया, क्योंकि आपको पता है ना अंडे सभी के आए पड़े हैं, बच्चे भी एक दो के आए हैं, मजीद चेक करते हैं। लेडी सभी आ गए नज़दीक दरवाजे के पास, अभी मैं खोलता हूँ दरवाज़ा और इनको निकालता हूँ बाहर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सभी आ जाओ। तो माशाल्लाह से इसके अंदर मैंने डाला था इनको दाना, तो इन्होंने खा लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये बिल्कुल खाली कर दिया है, इन्होंने खा लिया है। और ये अंडा भी कुछ हैच हुए पड़े हैं, ये भी अंडा है, ये देखें, अरे क्या बात है यार, यहाँ पे दूसरा बच्चा भी आ गया। गाइस हमारे लकी कबूतर का एक बच्चा और आ गया, ये देखें, ये शायद अभी अभी की पैदावार है। ये जोटा अभी है, ये आपको पता है पहले का ही है, और माशाल्लाह बड़े खुश हो, ठीक हो ठीक हो ठीक हो, वेरी गुड। यहाँ पे भी दो अंडे पड़े यार, ये जो अंडा पड़ा ना, ये लग रहा है मुझे खराब है, या पता नहीं अंदर बच्चा है या क्या है, मर गया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। ये तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक है। अच्छा दो अंडे यहाँ पे भी हमारे पास पड़े हैं, और आपको बताऊँ ये पेयर किन का है, जो ये दो अंडे पड़े हैं ना, ये जो हमारी ब्लैक वाली लकी कबूतरी है ना, वो और जो दक्षिण कबूतर है, उन्होंने यार बना लिया पेयर। अब देखते हैं अंदर से ब्रीड कैसी निकलती है, दखना और लक्का, मतलब मजे की ब्रीड आएगी। लेकिन खैर देखते हैं, ये भी अभी इसको मैं निकालता हूँ पकड़ के बाहर, क्योंकि इसका पता है ना कुछ टांग को मसला है, तो इसको अक्सर मैं ना खुद पकड़ के बाहर निकालता हूँ। चलें तो गाइस आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी ख़त्म है अंदर कटोरी से, तो अभी मैं डालता हूँ इसके अंदर पानी, और पानी डालने से पहले मैं इनको डाल देता हूँ यहाँ पे बाजरा, लेकिन नहीं आए, मैं कह रहा हूँ इनको डालता हूँ पहले पानी, उसके बाद डालूंगा मैं इनको बाजरा। आ जाओ जंप 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 जंप, अरे वेरी गुड, आ जाओ ना, कुछ नहीं कहता मैं, आ जाओ। ले ये देखना तो, अरे जी कोई बात नहीं, इनको पहले डालते हैं यहाँ पे पानी, उसके बाद डालेंगे इनको बाजरा। तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसको थोड़ा सा धो देते हैं, अभी डालते हैं इसके अंदर बिल्कुल ताज़ा फ्रेश और साफ पानी। आ जाओ भाई, आ जाओ 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 आ जाओ, पी लो। ये देखिए डिम्बू भी यहाँ पे ना फिर रहा है, कहाँ चला गया, चला गया यहाँ से, ये देखिए यार बड़ी प्यास लगी थी मेरे पिजन्स को। चले खैर ये अभी यहाँ से पानी पी लें, तब तक के लिए मैं थोड़ा साइड पर आता हूँ और इनको डालता हूँ यहाँ पे मैं दाना। माशाल्लाह पी ले पी ले, कुछ नहीं कहता मैं यार। दोस्तों अभी मैं डालता हूँ इनको यहाँ पे बाजरा। तो गाइस जब तक ये बाजरा खा लेती हैं, तब तक के लिए मैं अपने बजीज कॉकटेल और साथ में जो हमारा है ना कुबरा, उनकी फीड चेक करता हूँ, पानी चेक करता हूँ, चेंज करने वाला है तो वो चेंज करते हैं, तब तक के लिए आप फ्रेश होके खा लें। तो गाइज मेरे बजीज का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, सबसे पहले मैं इनके लिए पानी लेके आ चुका हूँ, इनको डालता हूँ पानी, उसके बाद डालूंगा इनको फीड। आपका पानी ख़त्म हो चुका है, क्या मसला है, क्या मसला है, चुप गंजा।
गंजू तो गाइस ये रहा मेरे बजीज का पानी, अभी मैं डालता हूँ इनको यहाँ पे पानी, क्योंकि इनकी फीड भी डालनी है। इससे पहले ये मैंने उठाया है, उसको धोया है अच्छे तरीके से, काफ़ी गंदा हो गया था, अभी डाल देता हूँ मैंने इनको अंदर पानी। तो गाइस मैंने पानी रख दिया, अभी ये रहा इनका दाना, अभी ये भी मैं अंदर रख देता हूँ, उसके बाद हम आएँगे अपने कॉकटेल की जान। फर्स्ट ऑफ ऑल बजीज को दे लूँगे। तो गाइस ये देखें मैंने दाना भी डाल दिया और साथ में पानी भी डाल दिया, अभी ये तो अभी खाने के लिए आ गया, माशाल्लाह से दूसरा भी आ गया। मैं भी सभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। फिजल भाई आप भी आ जाओ, सभी लोग आ रहे हो, आपके लिए मैंने दाना डाला। ये बारिश बड़ा तेज़ है, ये मैं तेज़ भाग रही थी, क्या रहती है थोड़ा सा दोबारा खुला होना, ये कहती है बस मैं भाग ही जाऊँ, लेकिन सॉरी आपको भागने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है मेरे पास बजीज नहीं है, और आप अगर भाग गए तो फिर मुझे और लाने पड़ेंगे। फिलहाल आपको कुछ आ रहा है मेरा ज़्यादा नहीं जी। फिशर साहब भी आ गए खाने के लिए, वेरी गुड। अच्छा जी क्या खा रहे हो, क्या बात है भाई, चुप चुप चुप, लड़ाई कर रहे हो आपस में, कहीं लड़ाई करते हैं बंद। अभी हम आते हैं अपने कॉकटेल की जानिब। क्या मसला है आपको, मसला क्या है आपको, क्योंकि मैं ना यहाँ से पकड़ लूँगा, यहाँ से कैसे पकड़ूँ, खत तेरी खैर भाग गया, ये बड़ा शैतान है। इनकी डाइट के अंदर ना डाइट बिल्कुल साफ पड़ी है, बस डालने इनको पानी के, देखते मुझे काटता नहीं काटता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं काट रहा है। अब इनका पानी मैं चेंज करता हूँ पहले। आज ये वाला मेरा कॉकटेल है ना, ये भागने के लिए हर वक्त जाग जाता है, जब देखो दोबारा ओपन करो ये कहता है मैंने बाहर जाना, भी देखो कैमरे के साथ लड़ाई करेगा मस्ती करेगा, लेकिन भागने में ही दूंगा इसको। हाँ जी कॉकटेल भाई क्या मसला है आपको। खैर इनको मैंने दाना भी डाल दिया, साथ में पानी भी डाल दिया, अब ये खा लेंगे, लेकिन ये तो तैयार रेडी है कि मुझे बाहर निकालो, लेकिन नहीं भाई आपको बाहर नहीं निकालने वाला मैं, अंदर रहो आप, अंदर जाओ। दोबारा करते हैं बंद, बहुत शैतान है ये वाला कॉकटेल हमारा, दोबारा बंद जब तक ना हो ना तब तक ये दरवाजे पर रहता है। अभी देखो अभी भी दरवाजे पे आ गया, इसको समझा लो वरना इसको मैं मारूंगा, आपका साथी है ये। तो गाइस अभी हम जाते हैं अपने जो है खुमरा, उसका अंडा भी चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस दिया है, उसने अभी तक कोई बच्चा भी दिया है या वैसे ही बैठे रहते सारे दिन खाते पीते रहते, तुम लोग कुछ बच्चा भी दो ना यार, अंडे से बच्चा बाहर आया है या नहीं आया, या है नहीं, आप लोग इधर बैठे रहते हो, पानी भी पड़ा है आपका और साथ में डाइट भी पड़ी है। अंडा दिखाओ मुझे, उठ जा, मैं कह रहा हूँ उठ जा, मुझे अंडा देखना है। हाँ खाली अंडा पड़ा है, अंडा है सुबह पड़ा है, नहीं नहीं यार नहीं, एक ही अंडा, एक अंडा और दो, पूरा पैर निकालो भाई बदतमीज, एक अंडा और ले आओ भाई। हाँ भाई इसको बोलो ना अंडा एक और ले आए, तुम भी यहाँ पे ऐसे ही घूमते रहते हो, इसको बताओ ना कि एक का कोई फ़ायदा नहीं होता, दो दो ग्यारह होते हैं, दो दो एक एक दो ग्यारह होते हैं। हाँ जी भाई अभी एक अंडा और ले आओ और बच्चा और ले आओ, पानी भी पड़ा आपका और सब कुछ पड़ा आपका, आप यहाँ पे करें इंजॉय। तो गाइस ये जो डव है ना, डव को इतनी शैतान है ना, ये उसने मैंने रखी थी कटोरी, इसके अंदर मैंने डाला था जो इनके वो नीचे पड़ा हुआ है, ये घास से पड़ी है खुश्क, ये मैंने डाली थी सारी की सारी से फेंक ली यार। खैर अभी इनको डालता हूँ, वो भी इनका पानी भी डालते हैं चेंज करते हैं, इनकी फीड माशाल्लाह काफ़ी पड़ी है, ये देखे कितनी फीड ज़ाया करते हैं यार ये, इन्हें क्या मसला है, इतनी फीड क्यों ज़ाया करते हैं आप लोग, क्या मसला क्या है आपको, जितनी खानी है उतनी खा लिया करें, जाया करने का क्या मकसद है आपका। खैर इनका पानी चेंज करते हैं, उसके बाद कोई और काम करेंगे। तो गाइस ये रहा मेरी डव का पानी, इसको मैं अच्छे से भर देता हूँ, जितना दिल करे उतना पी लें। यहाँ पे इसकी फीड पड़ी है, इसका पानी चेंज करते हैं, मे भी गर्म हुआ पड़ा हो पानी, गर्मी काफ़ी है ना, लेकिन मौसम हमारे काफ़ी बेहतर है। चलें आप सोच रहे हो यहाँ पे हवा का तो सर जानू छाँव पे है, यहाँ पे आ जाती है धूप तो जानू को हम ले जाते हैं पंखे के नीचे। तो नहीं जी इनकी फीड भी होगी, तुम तो भागने के लिए बिल्कुल रेडी हो, लेकिन मेरा दिल करता है कभी कभार ना आपके पाँव में कुछ चीज़ डाल के ना आपको बाहर निकाल लूँ, लेकिन आप मुझे काटोगी इसका मुझे खदशा है, काटोगी नहीं तो कभी ना कभी आपको बाहर निकालूंगा, अगर तुम मुझे काटोगे तो फिर भाई आपको बाहर निकालने वाला मैं नहीं हूँ, आप अंदर ही इंजॉय करें, तब तक के लिए अंदर रहें। खैर माशाल्लाह से मेरे जो पिजन है सभी यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं और कुछ अंदर जाने के लिए भी तैयार हैं, जरा मैं दोबारा खोल देता हूँ क्योंकि उनके बच्चे हैं ना, बीबी उनको वो खाना देने के लिए अंदर जाना चाहते हैं। हाँ हाँ सभी आ गए, आ गए मुझे पता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलिए भाई जाओ अंदर, जाओ 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 जाओ, बच्चों को फीड दो जल्दी कर जल्दी कर, अरे अब अरे अब अरे अब, तुझे तो मुझे पकड़ के ही अंदर ले जाना पड़ता है क्योंकि तू ठीक नहीं हो रहा आजकल, अबे रुक जा यार, जैकी खाना इसको, ये ले खा ले जैकी, जैकी अरे नहीं जैकी के पास आपको नहीं भेजने वाला मैं क्योंकि आप जैकी की खुराक नहीं बनने वाले, अंदर जाओ। चलें जी नहीं जी सभी सभी जो है ना
तमाम तर जो हमारे कबूतर हैं अपने अपने बच्चों के पास पहुंच चुके हैं, उनको भी फीड देंगे, डाइट देंगे, पानी देंगे। वेरी गुड। अभी तक यार मैंने आपको बताया हमारे जो लैला और मजनू हैं और साथ में जो हमारी मियासर मुर्गी है उसको नहीं खोला। लैला लैला तो भी ये देखें, लैला बहुत शैतान है, ये तो तैयार है भागने के लिए। ये जो छोटी मखलूक है ना आजकल ये भी भागने के लिए तैयार रहती है। हाँ जी क्या मसला है, सारी फौज बैठी है? हाँ भाई चिंटू बंदर बच्चा आ जाओ इधर। ले जी ये जो हमारा है ना जैकी, इसने जनाब रस्सी जो है ना वो तुड़वा ली है, अभी इसको मैं बांध देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा करते हैं इसको बांधते हैं। तो गाइस ये देखें हमारे सारे जो रैबिट के बच्चे भी हैं, रैबिट भी हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। यार कितना खूबसूरत लग रहा है आज का व्यू, सभी कोई वहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, एंजॉय कर रहे हैं। और आपको पता है जो मजनू है ना इसकी हरकतें सीखनी आने वाली, हर वक्त यहाँ पर यह खड्डे खोलता रहता है लांती किस्म का। हाँ भाई इनके लिए चारा ख़त्म हो चुका है, लहरा मैं अभी जाता हूँ लेके आता हूँ तरबूज, इनको वो डालते हैं तरबूज, ये बड़े शौक से खाते हैं। और साथ में पालक भी लेके आएंगे, वो भी डाल देंगे इनको। कबूतर सभी फिर बाहर आ गए, खैर उनकी मर्ज़ी। लहरा मैं राशन को भी खोल देता हूँ क्योंकि अभी तक राशन को नहीं खोला हमने। आपको पता है जब भी मैं किसी और को खोलता हूँ तो ये कहती है भाई मुझे भी खोलो, पानी भी पी लो और यहाँ पर डाल देता हूँ मैं दाना, वो भी खा लेना आप। ठीक है हाँ भाई आपको डालू दाना, डालू दाना खाना, चल डालता हूँ अभी। हाँ जी देखे कबूतर भी हमारे आ गए और साथ में हम लैला भी, साथ में दूसरी लैला भी, और बच्चे तो वहाँ घूम रहे हैं इसके सभी। और मासा ने भी स्टार्ट करके खाना ले ली, वो देखे माशाल्लाह हमारे बच्चे खा रहे हैं। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं ख़त्म। आई होप कि हमारी आज की छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तुम्हारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब कर दें। चले जाते वसलाम। आओ तो वेग जुड़े हो।